हम आह्वान करें परात्परे जन्मी की सम्मिलित दिव्य चेतना का अवतरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महर्षि श्री अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो फोर सीक्रेट नॉलेज उन 50वें पृष्ठ की 32वीं पंक्ति पर 20वें इंस्टॉलमेंट में हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर ऊर्ध्वारोहण कराएं ताकि रखे गए भाव को विचारणा को मंत्रों को सूत्रों को प्रकट होने पर हम ठीक ठीक देख सके जान सके सीख सके समझ सके तद अनुरूप साधना के ध्रुव पथ पर अपना कदम आगे बढ़ा सके इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं। कहते हैं महायोगी इन दिस डेंस फील्ड वेयर नथिंग इज प्लेन आर श्योर आवर वेरी बीइंग सीम्स टू अस क्वेश्चनेबल आवर लाइफ इज अ वैग्यू एक्सपेरिमेंट द सोल ए फ्लिकरिंग लाइट इन ए स्ट्रेंज इग्नोरेंट वर्ल्ड द अर्थ ए ब्रूट मैकेनिक एक्सीडेंट ए नेट ऑफ डेट इन विच बाय चांस वी लिव। पूर्व के कुछ भाव को साथ रखकर हम सरल भाव की ओर आगे बढ़ते हैं। मानव सामान्य चेतना के बाह्य जीवन यापन क्रियाकलाप में मन की सीमित एवं संकीर्ण क्षमता से जीवन पथ पर चलने वाली यात्रा में ऊपर तली क्षणिक दृष्टि को तो सृजित जगत व स्वयं के इर्द गिर्द चलने वाली जीवन यापन प्रक्रिया जब मानो जगत एक आकस्मिक देवयोग घटना लगती एवं स्वयं को इस सृजित गहन नक्षत्र में यहाँ कुछ भी निश्चित और सीधा तथा सरल नहीं है यहाँ तक कि स्वयं अपना यह अस्तित्व ही पूरा का पूरा संदेहास्पद और प्रश्नास्पद लगता है। ऐसा निरुद्देश्य लगने वाला जीवन एक अस्पष्ट धुंधला सा प्रयोग भर है और समूचे दृश्यमान जगत के जीवन यापन में तथा स्वयं से भी अदृश्य आत्मा इस अचित अज्ञानांधकार आवरण से बद्ध इस अपरिचित जगत में कोई घोर अंधकार में टिमटिमाते जुगनू के प्रकाश के समान जुगजुगाता कोई अल्प प्रकाश है और यह हमारे जीवन यापन का क्षेत्र पृथ्वी मानो एक पार्श्विक असभ्य अनगढ़ निर्दयी शिल्पकार की गढ़ी गई आकस्मिक दुर्घटना है जिसे संचालित करने वाली देश सीमा में बद्ध काल देव के काले शासन का रोग शोक संतरास संताप चरण और मृत्यु का एक जाल है जिसमें समस्त मानव जाति कोलू रणनी सम कोलू के बेल के समान समस्त मानवों को मजबूर होकर बस अकस्मात जन्म लेकर जीते रहना है। काल चक्र से पिसते संत्रस्त संतप्त जीवन जीने को बाध्य मानव अकस्मात जैसे अस्तित्व में आ पड़ते
पर बस ऐसे ही काल शासित निम्न स्तरीय जीवन यापन करने के लिए विवश मजबूर ही यहाँ जीवन जीते रहना होगा। आज हम इस सारगर्भित विषय को यहीं विराम देते हैं। आह्वान पर अवतरित हुई परात्पर की सम्मिलित दिव्य चेतना, जिन पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के दिव्य सूत्रों मंत्रों को प्रकट होने पर देखा सीखा समझा जाना। अवतरित हुई दिव्य चेतना से हम निवेदन करें, प्रकट हुए इस ज्ञान विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराएं, ताकि साधना के दुरुपयोग पर हमें जब जब इस ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता हो, तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के दुरुपयोग पर हमारा नेतृत्व कराए। सी मनोभाव से हम कुछ क्षणों के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं, सचेतन सावधान सावचेत बने रहें, भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तर पर संपन्न होने जा रही है।